तो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सेहत दे, आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे। तो व्यूवर्स, आज मैं बाहर गई थी थोड़ी देर के लिए, रात का टाइम, क्योंकि वकास आमना का दिल कर रहा था पेस्ट्रीज खाने के लिए। तो मैंने पेस्ट्रियाँ भी लाई हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल ले आई हूँ, लेस पापड़ वगैरह लाई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी पेस्ट्रीज लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैंने सीरी बेकरी से पेस्ट्रीज ख़रीदी थी, और ये जो हैं मैंने बच्चों के लिए भी ले ली थी और अपने लिए भी एक ले ली। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मैं इनका क्या डिज़ाइनिंग है और कैसी हैं। तो यहाँ मैंने पाइनएप्पल की पेस्ट्रीज लाई हैं, क्योंकि आमना पाइनएप्पल की पेस्ट्री खाना पसंद करती है, तो इसलिए मैंने जो है वो चार पेस्ट्रियाँ लाई हैं। मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी एक खा लूँगी, तो इस वजह से मैंने जो है बच्चों के लिए भी ले आई और अपने लिए भी। ये पता नहीं क्यों नहीं खुल रही, तो मैं देखती। तो ये हैं हमारी पेस्ट्रीज, और यहाँ मैं दो जो हैं अपने लिए केक लाई हूँ, चॉकलेट केक, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अपने लिए दो चॉकलेट केक्स भी लेकर आई थी। और साथ में मैंने जो है यहाँ पे ये लेस पापड़ लाए थे, क्योंकि ये लेस पापड़ की जो चिप्स है ये बच्चे भी शौक से खाते हैं, और हमारे घर में मुझे फ्रेंच चीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने जो है वो ये वाले ख़रीदे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को भी थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए और बताया जाए, क्योंकि आज मेरी शादी की जो है वो एनिवर्सरी भी है मेरी, तो इस वजह से जो है बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा कुछ खिलाएं, केक लेके आए। तो केक फ्रेश नहीं था उनके पास, तो इसलिए मैंने पेस्ट्रीज़ ले ली, और साथ में क्योंकि पाइनएप्पल की पेस्ट्रीज जो थी वो फ्रेश थी, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। केक जो है वो फ्रेश नहीं था, और साथ मैंने छोटी मोटी चीज़ें बच्चों के लिए ले ली। तो आज जो है वो मैंने कहा क्यों ना बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान भी लिया जाए और व्लॉग भी थोड़ा सा बना लिया जाए। तो अभी फैज़ान की भी तबीयत ठीक नहीं है, और वो जो है कार्टून देख रहा है, और उसको मैंने बुखार की दवाई भी दी है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो बच्चों को खांसी ज़ुकाम हो रही है। और ईशान की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी जो है वो लेटा हुआ है, तो दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। और बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, सुफियान भी मेरे पास है, मोहम्मद उमर भी है, और आमना भी बैठी है, और अभी महविश भी आ रही है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ा सा व्लॉग भी बना लूं। तो आज का मेरा जो व्लॉग था वो यहीं तक था। तो अभी हम पेस्ट्रीज जो हैं वो खाने लगे हैं, इंजॉय करने लगे हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा व्लॉग पसंद आया, तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।